यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, बीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पेपर है जनरल पेपर, जो जनरल पेपर आपका क्या है, जनरल पेपर हिंदी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हिंदी जो है आपकी सामान्य हिंदी, जो कि आपकी 75 मार्क्स की आपकी आएगी, 75 नंबर की आपकी हिंदी आनी है और 25 मार्क्स की आपकी जनरल जो इंग्लिश होती है वो आपकी आएगी। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपका छोटा है, माइनर आपका यानी कम से आपका जो सिलेबस है जो आएगा वो कम है, लेकिन जो हिंदी का सिलेबस है वो ज़्यादा आपका है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की आनी है और जो हिंदी आएगी वो 75 मार्क्स की आएगी। क्वालिफाई आपके लिए पेपर है, पेपर जो फर्स्ट आपका होने वाला है क्वालिफाई पेपर है, तो ये पेपर आपके लिए क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्वालिफाई आपका पेपर है ये जनरल हिंदी जो 75 मार्क्स का आपका आएगा। चलिए, आज जो हम अपना टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, आज का टॉपिक आपका है जो व्याकरण में ग्रामर में विलोम, विलोम का हम विलोम हम देखेंगे। ये क्लास नंबर 8 है, 7 जो क्लास है आपको वो यूट्यूब जो आपका चैनल है चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। 7 क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहले कौन सा, यानी इसमें हमने जो सबसे पहले संधि समास, ये हमने संधि हो गया, समास हो गया हमारा, कारक वचन, कारक है वचन है, पर्यायवाची, पर्यायवाची हो गया आपका, और संज्ञा, संज्ञा हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चैप्टर। चलिए, और आज जो हमारी क्लास है क्लास 8 है। चलिए, पेपर है यहीं से आपको मिल जाएगा 75 मार्क्स का आपके, आपको जो डेली क्लास मिल रही है वो आपको ध्यान से करनी है। चलिए, पहला आपका है विलोम। तो विलोम जो है वो होता क्या है, सिंपल सी बात है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा विलोम, तो विलोम होता क्या है, किसको विलोम बोला जाता है, तो सिंपली बात है विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। क्या होता है, जो पर्यायवाची आपका था, पर्यायवाची, पर्यायवाची आपने देखा, तो पर्यायवाची में क्या था, यानी समानार्थक, पर्यायवाची आपका होता है सिनोनियम, पर्यायवाची किसको बोला जाता है, सिनोनियम को बोला जाता है, यानी समानार्थक को बोला जाता है, समानार्थक जो क्या हो, पर्यायवाची होता था समान। तो अब हम बात करें विलोम की, विलोम होता है आपका उल्टा या विपरीत, यानी अपोजिट, क्या होता है अपोजिट, विलोम होता है आपका अपोजिट, उल्टा या विपरीत आप बोल सकते हैं। विलोम का अर्थ ही आपका होता है कि उसका अपोजिट या फिर उसका आगे अगेंस्ट, या आपका बोल सकते हो अगेंस्ट आप बोल सकते हैं, यानी उल्टा या विपरीत आप उसको बोल सकते हैं, अपोजिट या अगेंस्ट आप इसको बोल सकते हो, तो उल्टा हो या फिर विपरीत आपका होता है। चलिए, जैसे अतः क्या है, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला, यानी जो कोई भी वर्ड आपका होता है शब्द को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, और उल्टा यानी अपोजिट आपका हो गया, उल्टा क्या होता है अपोजिट आपका होता है, अर्थ यानी व्यक्त करना अपनी जो, यानी उल्टा अर्थ जो वो अव्यक्त करता है बताता है, व्यक्त करना यानी बताना, व्यक्त करना होता है आपका बताना, वो जो शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं, विलोमार्थक शब्द कहलाता है, उसी को विलोमार्थक शब्द बोला जाता है, विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द का अंग्रेजी प्राय एंटोनियम्स होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स बोलते हैं, जबकि जो पर्यायवाची आपका है, पर्यायवाची को बोला जाता है सिनोनियम, पर्यायवाची क्या होता है, सिनोनियम आपका होता है, और जो आपका विलोम शब्द है, विलोम शब्द को बोला जाता है एंटोनियम, विलोमार्थक शब्दों को विपर्यायवाची या प्रतिलोमार्थक और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो जो विलोमार्थक शब्द है इसके जो आदर्श नेम है, जो अन्य नाम है, किसे क्या, इसको जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द को क्या क्या कहकर हम बोल सकते हैं, इसे क्या क्या बोला जाता है, कोल्ड, यानी या इसे कोल्ड क्या क्या कहा जाता है, तो कोल्ड इसमें आपका विपर्यायवाची इसको बोल सकते हैं, प्रतिलोमार्थक और विलोम शब्द इसको बोला जाता है। विलोमार्थक जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, विलोमार्थक शब्द सिंपली आपका है अपोजिट, यानी विलोम शब्द में होता है इसका तात्पर्य या अर्थ जो होता है, मीनिंग, उसका अपोजिट या उल्टा आप बोल सकते हो। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, आगे अब आपका विलोम शब्द के इसमें
क्वेश्चन यानी विलोम शब्द से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे सिंपली बात है, आपका सुख आपका होता है, तो सुख का जो अपोजिट होगा, जो अगेंस्ट होता है, वो क्या होता है? सुख का दुख आपका बनता है। इसी तरह आपका जो होता है अमीर, अमीर का जो अपोजिट होगा यानी जो विलोम बनता है वो क्या बनता है? गरीब आपका बनता है। तो ये क्या है? ये आपके विलोम शब्द आपके है यानी अपोजिट होना, क्या होना? अपोजिट हो, इसको बोलते हैं, या फिर एंटोनियम आप इसको बोलते हो। क्या बोलते हो? एंटोनियम ये आपका होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विलोम शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया अगे शब्द के साथ, जो अगे शब्द आपका है कैसा, यानी देखिए सबसे पहले जो विलोम शब्द, चले सिंपली जो विलोम शब्द आपसे पूछे जाते हैं वो किस किस तरह के आपके आते हैं। तो ये पहले आपका, तो विलोम शब्द आते किस किस तरह के, सिंपली बात है ऐसे ऐसे आपका हो गया, शब्द आपको मिला अंत, ये आपका शब्द हुआ, इसका विलोम क्या होगा? विलोम इसका होता है आदि, क्या विलोम हो जाएगा? आदि आपका हो जाएगा। इसी तरह आपका है जो आपका होता है, आपने ले लिया अंदर, क्या ले लिया? ये अंदर हो गया, अंदर का विलोम क्या बनेगा? बाहर। अंधकार, अंधकार आपका हो गया, अंधकार का विलोम बनेगा क्या? अंधकार का जो विलोम बनता है ये आपका बनेगा प्रकाश, क्या? यानी रोशनी या प्रकाश आप बोल सकते हो। अकर्मक, अकर्मक का जो होता है, अकर्मक का जो विलोम बनेगा, एंटोनियम जो होगा वो क्या होता है? सकर्मक आपका होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आप बोल सकते हो, सकर्मक हो गया। अकाल, अकाल का विलोम क्या बना? अकाल का विलोम बनेगा सुकाल, सुकाल आपका हो गया। अग्र, सुकाल हो जाएगा, जैसे अग्र आपका हो गया, अग्र का विलोम क्या बना? पश्च आपका बना। और अच्छा का विलोम क्या बना? जो अच्छा है, अच्छा का विलोम बनेगा बुरा, क्या विलोम बना? बुरा इसका हो गया। इसी तरह आपका है अति, अति हुआ यानी अति क्या होना? अति होना, इसका विलोम क्या बना? अल्प आपका बन जाएगा। अनुकूल क्या हुआ? अनुकूल जो होता है इसका जो विलोम बनेगा, एंटोनियम बनेगा वो क्या बना? प्रतिकूल। तो इस तरह के विलोम आपसे पूछे जाते हैं, इसी तरह के आपके विलोम होते हैं यानी अपोजिट होना, क्या होना? अपोजिट होना। तो इस तरह विलोम आपसे आते हैं। इसी तरह आपने ले लिया यानी अपमान, क्या होना? किसी का अपमान करना। तो इसका जो अपोजिट होगा, विलोम जो बनेगा क्या होगा? सम्मान, क्या बनता है? सम्मान बनेगा। इसी तरह आपका हो गया अनुमत, क्या होना? अनुमत होना, ये आपका शब्द है अनुमत, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनुनुमत, अनुनुमत इसका विलोम बन जाएगा। इसी तरह आपका आगे है, जैसे अपराध आपका हुआ क्या होगा, या फिर आपने अधूरा ले लिया, अधूरा का जो विलोम बनेगा वो क्या बना? पूरा आपका बना, अधूरे का विलोम क्या बना? पूरा। इसी तरह आरोह, आरोह का विलोम क्या बनेगा? ये आपका बनेगा अवरोह, अवरोह इसका विलोम बनेगा। इसी तरह है आपका अपकार, क्या होना? अपकार होना, इसका विलोम बना उपकार, क्या बना विलोम? जो एंटोनियम बनता है उपकार आपका बनेगा। इसी तरह आपका है अर्थ या फिर अमर, अमर का जो विलोम बनता है, अमर शब्द का विलोम क्या बनेगा? अमर जो शब्द है इसका अर्थ बनेगा मृत्यु, क्या? मृत्यु इसका विलोम बन जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका जो अग, अगर शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा? तो ये किस में यानी कौन सी कोटि में आपका आता है? ऑप्शन ए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन ए आपका पर्याय, ऑप्शन बी अनेकार्थी, ऑप्शन सी अनादिक, ऑप्शन डी विलोम। तो जो अघे है आपका है, अघे का जो प्रयुक्त होगा यानी उपारी शब्द, वो कौन से प्रकार की शब्द कोटि में आता है? तो वो किस में आएगा? वो आपका आता है विलोम में। किस में आएगा? विलोम में आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड,
कृपया किस शब्द का विलोम है? जो कृपया है क्या होना, यानी कृपया होना, तो ये कौन से शब्द का विलोम होगा? तो विलोम आपको पूछा गया है कि कौन से शब्द का ये विलोम होगा। ऑप्शन ए कोप, ऑप्शन नंबर बी कटु, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी करूर। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? तो कोप। तो कोप क्या है? कोप शब्द, देखिए ये आपका शब्द हो गया कोप, और कोप का जो विलोम बनेगा यानी कृपा आपका बनेगा, क्या बनेगा? कृपा करना। कोप यानी क्या होना है? किसी का कोप होना। तो किसी पर क्या करना? कोप का जो यानी कृपा करना, उस पर क्या करना? दया दिखाना। कृपया करना क्या दिखाना? दया दिखाना। क्या दिखा इस पर? दया दिखाकर उस पर कृपया कर दी। तो उसका क्या यानी कोप का जो अपोजिट वर्ड होगा आपका, अपोजिट या एंटोनियम आप बोल सकते हो, ये आपका बनेगा कृपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए आगे। अब आपको निर्देश आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 से लेकर 4 तक में दिए गए विलोम शब्द का जो चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से ही किया जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका अनुरक्ति, अनुरक्ति। ऑप्शन ए आसक्ति, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी उक्ति, ऑप्शन डी विज्ञप्ति। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, विरक्ति। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी विरक्ति इसका राइट आंसर होगा। तो अनुरक्ति यानी विरक्ति। तो इसमें जो विलोम शब्द आपको दिया गया उसके जो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको करना है। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, श्वेपन। श्वेपन क्या होता है आपका? ड्रीम्स आपका होता है। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी जागरण, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी मनन। तो श्वेपन, श्वेपन कम जब आप सोते हो, यानी सोते टाइम, यानी जब आप स्लीप करते हो, स्लीपिंग करते हो या सोते हो, तो उसी टाइम क्या होता है आपको? श्वेपन आता है। तो श्वेपन का जो अपोजिट या एंटोनियम जो होता है वो क्या बनेगा? जागरण। यानी श्वेपन कब करे? जब आप सो रहे हो। तो इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसका जागरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी श्वेपन का जो अपोजिट हुआ वो क्या हुआ? श्वेपन का अपोजिट आपका हुआ जागरण। क्या करना? जागरण करना, जागते रहना। क्या करना? जागते रहने। तो ये इसका राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन चलिए आगे। अब आपको निर्देश आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 7 तक में दिए गए शब्दों का उपयोग विलोम बताने के लिए 4-4 विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। उचित विकल्प का आपको चयन कीजिए है। तो चयन आपको करना है ऑप्शन, क्वेश्चन 5th आपका यौवन। क्वेश्चन 5th क्या है? यौवन आपका है। ऑप्शन ए जरा, ऑप्शन बी प्राज्ञ, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी जीत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी यौवन या आपका हो जाएगा जरा। इसका जो 4 विकल्प आपको प्रस्तावित किए गए, इसमें विलोम क्या हुआ? यौवन का जो विलोम आपका बना, ये बना जरा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यथार्थ। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ। ऑप्शन ए उड़ान, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी स्वपन, ऑप्शन डी विचार। तो इसका राइट आंसर क्या है? कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना, सपोज करना। क्या करना? इमेज यानी सपोज करना, या फिर इमेजिनेशन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनेशन इसका हो जाएगा। तो इसका जो यथार्थ का जो विलोम आपका बना, कल्पना आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, प्रतिवादी। प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या होगा? जो अपोजिट वर्ड आपका एंटोनियम जो वर्ड होगा, क्या जो एंटोनियम वर्ड आपका हो गया, एंटोनियम क्या होता है? विलोम शब्द आप बोल सकते हो इसको। क्या इसका विलोम शब्द आपको बताना है प्रतिवादी का? ऑप्शन ए विपक्षी, ऑप्शन बी आरोपी, ऑप्शन सी संवादी, ऑप्शन डी वादी। तो प्रतिवादी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या है? वादी आपका हो गया। क्या है? वादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। जो सूक्ष्म शब्द आपका है उसका विलोम क्या होगा या एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी सूक्ष्महीन, ऑप्शन सी स्थूल, ऑप्शन डी अस्थूल। तो राइट आंसर क्या है इसका? स्थूल। जो सूक्ष्म शब्द है उसका जो विलोम होगा या जो एंटोनियम होता है, क्या होता है? एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? सूक्ष्म होना। यानी सूक्ष्म क्या होता है आपका? माइक्रो। जो आपका माइक्रो यानी सूक्ष्म होना यानी माइक्रो, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थूल आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
सुस्ती का विलोम है। सुस्ती, सुस्ती कब आना यानी लेजी बन, जब आपको आलस आता है, सुस्ती आना यानी किसी भी काम में क्या यानी जो सुस्ती होती है, सुस्ती में क्या होता है यानी लेजीपन आपका होता है, सिंपली लेजीपन आपका होता है, आलकश आपको आता है। क्या होता है इस टाइम, आलसी होते हैं, सुस्ती रहती है शरीर में। तो इसका ऑप्शन आपको पूछा गया है, इसका राइट जो विलोम होगा, एंटोनियम होगा, वो क्या होगा। ऑप्शन ए तंदुरुस्ती, ऑप्शन बी चुस्ती, ऑप्शन सी ताजगी, ऑप्शन डी सुस्ती विहीन। तो राइट आंसर क्या है इसमें, चुस्ती। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इस टाइम क्या होगा, जो बॉडी होगी वो क्या होगी, एक्टिव होगी, वो काम करने में क्या होगा, उसका मन लगेगा, लेजीपन उसका खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है। तो मिथ्या जो वर्ड है इसका विलोम शब्द या एंटोनियम वर्ड आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, एंटोनियम वर्ड या फिर अपोजिट वर्ड आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपोजिट वर्ड, विपरीत वर्ड। तो इसमें कौन सा होगा मिथ्या का, ऑप्शन ए आडंबर, ऑप्शन बी धुंधला, ऑप्शन सी दिखाना, ऑप्शन डी सत्य। तो मिथ्या जो है, मिथ्या वर्ड का विलोम क्या है, सत्य, यानी मिथ्या क्या होगा यानी ये आपका झूठ होगा, और झूठ का जो विलोम होता है वो क्या होगा, सत्य होगा, ट्रूथ आपका होता है, क्या होता है, ट्रूथ या ट्रू आपका होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सत्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अत का विलोम शब्द है, जो अत वर्ड है इसका जो विलोम शब्द होगा, एंटोनियम वर्ड होगा, वो क्या होता है। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी इति, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी अग। तो राइट आंसर क्या है इसका, इति क्या होना यानी अत, अत का जो विलोम शब्द होगा वो इति से आपका होगा, इति इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, शोषक शब्द का विलोम चुनिए, जो शोषक शब्द है उसका जो विलोम होगा या एंटोनियम जो होता है, क्या होता है एंटोनियम, तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी पोषक, ऑप्शन डी पोषित। तो शोषक का जो विलोम बनता है वो क्या बनेगा, पोषक होना, क्या होना, शोषक का यानी पोषक इसका विलोम आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जो हर्ष शब्द है उसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए खेद, ऑप्शन बी वेदना, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी विषाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, हर्ष होना यानी क्या होना, खुशी। हर्ष क्या होता है आपका, खुशी यानी हैप्पीनेस आपका हो जाएगा, हैप्पी नैश आपका होता है। और इसका जो राइट होगा इसमें क्या होगा, विषाद आपका होगा, क्या होना, विषाद होना यानी दुख का समय, किसका समय, दुख का समय। तो इसमें दुख ना होकर विषाद आपका आएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 14 से लेकर 16 तक, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों के जो विलोम के लिए 4-4 विकल्प आपको प्रस्तावित किए गए हैं, प्रस्तुत आपके किए गए हैं, तो उचित विकल्प का आपको चयन करना है। अविश्वास क्या होना यानी किसी पर विश्वास ना करना, अविश्वास, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो इसका विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए श्वास, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी संतोष, ऑप्शन डी उच्छ्वास। तो अविश्वास जो वर्ड आपका है क्या है, अविश्वास। तो अविश्वास वर्ड का जो एंटोनियम या फिर अपोजिट वर्ड जो बनेगा वो क्या है, विश्वास आपका होता है। तो विश्वास से अविश्वास आपका हो गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है क्वेश्चन 14 का, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, उदय क्या होना यानी उदय, जैसे सुबह सुबह क्या होता है, जो सूर्य उदय होता है यानी सनराइज, या क्या हो गया, सनराइज यानी मॉर्निंग का टाइम हो गया, सुबह का समय यानी किसी चीज़ का उदय का टाइम है। ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी भाषित, ऑप्शन डी ब्लिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका अस्त, क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उदय क्या है यानी सूर्यास्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुण्य जो पुण्य है, पुण्य यानी क्या करना, पुण्य का यानी पुण्य होता है आपका क्या कमाना यानी अच्छा काम करना, पुण्य करना, किसी की हेल्प करना, क्या कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी असंगति, ऑप्शन सी पाप, ऑप्शन डी पीड़ा। तो पुण्य का अपोजिट क्या होगा, पाप, यानी एक तरफ क्या कर रहे हैं, पुण्य जो होता है, पुण्य का संबंध आपका होता है अच्छे कर्म से, किससे, अच्छा
कार्य है या अच्छे जो कर्म करते हैं, अच्छा कार्य या अच्छे कर्म से इसका कॉन्टैक्ट होता है। और पाप करना यानी बुरा कार्य करना, बुरा कार्य करना या बुरे जो कर्म होते हैं वो करना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। जो साक्षर शब्द दिया गया इसका एंटोनियम आपसे पूछा गया है, तो एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम या आप अपोजिट वर्ड इसका बोल सकते हैं, तो अपोजिट वर्ड क्या होगा। ऑप्शन ए अशिक्षित, ऑप्शन बी अनपढ़, ऑप्शन सी सुरक्षर, ऑप्शन डी निरक्षर। तो राइट आंसर क्या है इसका, सुरक्षर। जो साक्षर शब्द का जो विलोम बनेगा वो सुरक्षर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा। जो उद्धत शब्द है उसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 आपका था, इसमें साक्षर शब्द का जो विलोम था वो क्या था, निरीक्षर आपका था, क्या था, निरीक्षर होना। साक्षर शब्द का विलोम बनेगा निरीक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, उद्धत शब्द का जो विलोम होगा, उद्धत शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए विनय, ऑप्शन बी अवनीति, ऑप्शन सी अनुदार, ऑप्शन डी विनित। तो राइट आंसर क्या है इसका, उद्धत होना यानी विनित इसका अपोजिट होगा, विलोम शब्द आपका बनता है क्या होना, उद्धत होना या इसका अपोजिट हो जाएगा विदित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, आरओ का विलोम शब्द है। जो आरओ आपका होता है तो आरओ का विलोम शब्द क्या होगा, जो असेंडिंग डिसेंडिंग आपका होता है। ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी क्रमबद्ध, ऑप्शन सी क्रमानुसार, ऑप्शन डी लगातार। तो राइट आंसर क्या है इसका, अवरोह। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द बुराई का विलोम है, यानी बुराई क्या है, यानी बैड वर्ड जो आता है इसका अपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया है बुराई का, या आप बोल सकते हो एंटोनियम वर्ड आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जो एंटोनियम आपका होता है, तो एंटोनियम वर्ड या फिर अपोजिट जो वर्ड होता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अच्छाई, ऑप्शन बी बढ़िया, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी समाप्ति। तो बुराई यानी अच्छाई का जो अपोजिट है वो क्या है, बुराई आपका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अच्छाई यानी गुडनेस आपका हो जाएगा, गुडनेस और बैडनेस आपका हो गया। तो ये अच्छाई क्या होती है आपकी, गुडनेस आपकी होती है, गुडनेस होगी, और बुराई क्या होती है, बैडनेस, बुराई होती है बैडनेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रश का विलोम शब्द चुनना है। किसका, जो क्रश आपका है क्या होना, यानी निम्नलिखित जो विकल्प आपको दिया गया उसमें जो क्रश शब्द आपको दिया गया उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए हस्ट पुष्ट, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी भव, ऑप्शन डी विटप। तो राइट आंसर क्या है इसका, क्रश होना यानी क्रश का विलोम होगा, हस्टपुट होना, हस्टपुष्ट यानी क्या होना, जो शरीर है या कुछ भी हस्टपुष्ट होना यानी वो क्या है, पूरी तरह से सही है, हस्टपुष्ट है, हेल्थी है। तो ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनना है। जो अल्पज्ञ है उसका जो विलोम शब्द होगा यानी एंटोनियम जो आपका है क्या है, एंटोनियम वर्ड या फिर अपोजिट जो वर्ड होता है, क्या होता है, अपोजिट वर्ड, या आप बोल सकते हो इसको अपोजिट वर्ड हो गया आपका, एंटोनियम हो गया, या फिर विलोम शब्द जो आपका होता है या विपरीत या उल्टा आप बोल सकते हो। ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी अवज्ञ, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, सर्वग। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी सर्वग, यानी सर्वग का ये आपका हो जाएगा सर्वग, और ये क्या है आपका अल्पग, अल्पग आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अंतरंग का विलोम शब्द है। जो अंतरंग वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बाहरी, ऑप्शन बी बहिरंग, ऑप्शन सी ऊपरी, ऑप्शन डी बाह्य। तो राइट आंसर क्या है इसका, बहिरंग। तो अंतरंग का विलोम क्या है, बहिरंग आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अक्षत का विलोम है। जो अक्षत वर्ड है अक्षत का जो विलोम होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए क्षति, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी विच्छत, ऑप्शन डी पूर्ण। तो राइट आंसर क्या है इसका, विच्छत। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी विच्छत इसका राइट आंसर होगा, अक्षत और विच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, तो कौन सा वो युग्म है या मैचिंग है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए अंतरंग बहिरंग, ऑप्शन बी उचित अनुचित, ऑप्शन सी शुक कष्ट, ऑप्शन डी सुशाध्य और दुशाध्य। तो इसमें से जो मैचिंग में आपका नहीं है, जो क्या है करेक्ट आपकी मैच नहीं किया गया, क्या है करेक्ट मैचिंग नहीं है, तो वही आपको बताना है जो करेक्ट मैच इसमें नहीं कर रहा है। तो कौन सा होगा, ये आपका है शुक और कष्ट। क्वेश्चन इसमें क्या होता, सुख ये आपका होता शुक और दुख, सुख ये होता सुख और दुख, तो आपका सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, अनादर का विलोम शब्द है, क्या करना यानी किसी का अनादर करना, किसी का अनादर यानी किसी का सम्मान ना करना। अनादर किसका, जिसका सम्मान नहीं किया जाता वो क्या होता अनादर। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी आदर, ऑप्शन डी सत्कार। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आदर। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी आदर राइट आंसर होगा, यानी आदर करना किसी का आदर। तो इसका जो विलोम है वो क्या है आपका अनादर, तो आदर का जो विलोम होगा वो क्या है आपका अनादर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अभिज्ञा, अभिज्ञा का विलोम शब्द क्या है, जो अभिज्ञा है इसका विलोम शब्द क्या बनेगा। ऑप्शन ए अज्ञा, ऑप्शन बी नज्ञा, ऑप्शन सी प्रज्ञा, ऑप्शन डी चतुर। तो राइट आंसर क्या है इसका अज्ञा। तो जो अभिज्ञा जो भी है इसका यानी जो एंटोनियम क्या है, एंटोनियम वर्ड आपका हो गया अपोजिट आपका होता है, या उल्टा आप बोल लीजिए अपोजिट हो गया, या फिर उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा, या विपरीत आप बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए विपरीत। तो अभिज्ञा का विपरीत क्या होगा अज्ञा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आस्था का विलोम शब्द है, यानी किसी में क्या होना आस्था, जैसे भगवान में क्या होती है आस्था होती है, लोगों की क्या होती है आस्था, यानी भगवान को मानते हैं तो क्या भगवान के प्रति उनकी आस्था होती है। तो आस्था जो वर्ड है उसी का विलोम शब्द या एंटोनियम वर्ड आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अविश्वास, ऑप्शन सी विमनश्यता, ऑप्शन डी अंधविश्वास। तो आस्था का जो आस्था जो वर्ड आपका है, आस्था का जो एंटोनियम होगा जो उल्टा आपका बनता है क्या बनता है अपोजिट, या फिर जो उल्टा आपका हो गया या विपरीत आपका होता है वो क्या होगा, तो आस्था होना। और किसी में आस्था का अपोजिट आपका बनेगा अनास्था, क्या बना अनास्था आपका बनेगा, यानी किसी में आस्था होना और अनास्था किसी में आस्था ना होना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है अनास्था इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इष्ट का विलोम शब्द है, इष्ट जो वर्ड है इसका जो विलोम शब्द होगा या एंटोनियम वर्ड होगा वो क्या होता है। ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी अनिष्ट, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदी, ऑप्शन डी शत्रु। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी अनिष्ट, जो इष्ट का जो विलोम होता है वो होता है अनिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, उद्घाटन का विलोम शब्द है, जो उद्घाटन क्या करना यानी जैसे कोई फंक्शन होता है, यानी क्या होता है किसी भी फंक्शन में क्या किया जाता है, जैसे मोर ओवर फंक्शन होते हैं, फंक्शन में उद्घाटन किया जाता है किसी का, यानी कोई समारोह आपका होता है, समारोह होता है या कुछ फंक्शन वगैरह में क्या किया जाता है उद्घाटन आपका किया जाता है जैसे, तो उद्घाटन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए समाप्ति, ऑप्शन बी लोकार्पण, ऑप्शन सी विमोचन, ऑप्शन डी समापन। तो इसका राइट आंसर क्या, उद्घाटन करना है, उद्घाटन करते हैं जैसे कोई नई नई क्या करता है नया नया मकान बनाते हैं तो मकान का उद्घाटन करते हैं, तो उसमें क्या यानी समापन करना, क्या करना उद्घाटन कर होता है आपका स्टार्टिंग, उद्घाटन क्या हो गया स्टार्टिंग करना, और जो समापन होता है आपका एंडिंग, क्या हो गया एंडिंग यानी समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका समापन। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एक का विलोम शब्द है, यानी एक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बहुत, ऑप्शन डी अनेक। तो एक का जो विलोम बनता है वो क्या बनेगा, एक का विलोम आपका बनेगा अनेक, क्या बना एक का, यानी जो एक है एक का विलोम क्या है अनेक आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ऐश्वर्या का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए अनैश्वर्या, ऑप्शन बी वैभव, ऑप्शन सी विलासिता, ऑप्शन डी दरिद्रता। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी ऐश्वर्या का जो विलोम होगा अपोजिट वर्ड बनेगा वो अनैश्वर्या आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,
रिजू का विलोम शब्द है, जो रिजू वर्ड है इसका जो विलोम शब्द होगा, जो एंटोनियम आपका बनता है, एंटोनियम वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी त्रियक, ऑप्शन डी वक्र। तो राइट आंसर क्या है इसमें? वक्र। तो रिजू का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वक्र आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। वारुण का विलोम शब्द है, जो वारुण है वारुण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतित, ऑप्शन सी सिलवान, ऑप्शन डी निष्ठुर। तो वारुण जो वर्ड है इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है? आपका एंटोनियम होगा आपका वारुण का, निष्ठुर होना, क्या होना? निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, जो कृतज्ञ वर्ड है क्या करना, यानी कृतज्ञ होना, तो उसका जो विलोम शब्द है या एंटोनियम आपका होगा, क्या होगा? एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम बोल लीजिए, अपोजिट आप बोल लीजिए, या फिर उल्टा या विपरीत आप बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? उल्टा या आपका होता है, या विपरीत, क्या बोल लीजिए? विपरीत आपका होता है। तो कृतज्ञ होना, किसी का कृतज्ञ होना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कर्तात्र, ऑप्शन सी निंदक, ऑप्शन डी प्रत्युपकार। तो राइट आंसर क्या है इसका? कृतघ्न। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए कृतज्ञ का जो विलोम शब्द है वो कृतघ्न आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कृत्रिम का विलोम शब्द है, जो कृत्रिम आपका है इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी असली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी निर्मित। तो राइट आंसर क्या है इसका? प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी प्राकृतिक। क्या? यानी जो नेचुरल आपका होता है, क्या होता है? नेचुरल यानी प्राकृतिक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। छिन्न का विलोम शब्द है, जो छिन्न है उसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भिन्न, ऑप्शन बी अभिन्न, ऑप्शन सी परिशिष्ट, ऑप्शन डी संलग्न। तो राइट आंसर क्या है इसका? संलग्न। छिन्न जो होना यानी संलग्न होना, क्या होना? संलग्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जंगम का विलोम शब्द है, जो जंगम वर्ड है उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए स्थावर, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी सबल, ऑप्शन डी दुर्बल। तो राइट आंसर क्या है इसका? स्थावर। दो जंगम जो है, जंगम का जो विलोम होगा या एंटोनियम जो होता है, क्या होता है? एंटोनियम, ये क्या हो गया? स्थावर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। नैसर्गिक का विलोम शब्द है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए समानार्थक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी चमत्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नैसर्गिक का विलोम आपका है कृत्रिम, कृत्रिम आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। भोला का विलोम है, जो भोला है यानी क्या होना? भोला भाला जैसे बोला जाता है, तो भोला यानी सीधा होना, क्या होना? सीधा। तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए चालाक, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी चंचल। यानी भोला क्या होता है? भोला का आपका यानी सीधा, और तो इसका जो विलोम शब्द आपका बनेगा वो चालाक से आपका बनेगा, यानी क्लेवर, क्या होना? क्लेवर होना, चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। यथार्थ का विलोम शब्द है, यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से आपका रिपोर्ट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। तो राइट आंसर क्या है? यथार्थ यानी आदर्श होना, क्या होना? आदर्श इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विग्रह का विलोम शब्द है, जो विग्रह है विग्रह करना जैसे इसमें, तो विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अविग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी ग्रहण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए संधि। तो ये क्या, जैसे आपका संधि विग्रह आपका होता है, क्या होता है? विलोम शब्द जो है इसका संधि आपका हो गया, तो संधि विग्रह आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। संकीर्ण का विलोम शब्द है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकर्ण, ऑप्शन डी विस्तृण। तो राइट आंसर क्या है इसका? विस्तृण। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या बना? विस्तृण आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। साधु का विलोम शब्द है, जो साधु वर्ड आपका है, साधु होते हैं, तो साधु का जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासीन,
ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी अशाधु। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, यानी कौन क्या है, साधु बन गया। तो उसका जो अपोजिट वर्ड है, एंटोनियम वर्ड होगा, वो क्या बनेगा, अशाधु आपका बनेगा, यानी साधु से अशाधु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपेक्ष का विलोम शब्द है, जो आपेक्ष है, आपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी सापेक्ष। तो राइट आंसर क्या है इसका, निरपेक्ष। आपेक्ष का जो विलोम शब्द है या एंटोनियम वर्ड है, वो निरपेक्ष आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अपेक्षा का विलोम शब्द है, जो अपेक्षा वर्ड है क्या होना, यानी किसी से अपेक्षा करना या किसी से कुछ उम्मीद करना, यानी क्या कर रहे हो आप, उससे उम्मीद लगा रहे हो, अपेक्षा कर रहे हो, एक्सपेक्ट क्या करना, यानी उससे उम्मीद लगाना, आशा कर लगाना, ये क्या हो गया आपका। तो इसका जो विलोम होगा, ऑप्शन है निंदा, ऑप्शन बी अनुपेक्षा, ऑप्शन सी उपेक्षा, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो राइट आंसर क्या है इसका, उपेक्षा। तो अपेक्षा का क्या होगा, उपेक्षा आपका राइट होगा, विलोम शब्द आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। सुल्ताना शब्द का विलोम शब्द है, जो सुल्ताना यानी क्या करना, सुल्ताना सुलटना, तो ये क्या हो, इसका विलोम शब्द आपसे पूछना है। ऑप्शन है निपटाना, ऑप्शन बी मिटाना, ऑप्शन सी पलटाना, ऑप्शन डी उलझाना। तो राइट आंसर क्या है इसका, सुल्ताना जो शब्द है इसका एंटोनियम होगा पलटाना, क्या करना, यानी सुल्ताना यानी किसी भी चीज़ को सुलझाना, तो उसका अपोजिट क्या बना, पलटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सृष्टि का विलोम शब्द है, जो सृष्टि शब्द है इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी विध्वंस, ऑप्शन सी प्रलय, ऑप्शन डी सर्जन। तो राइट आंसर क्या है इसका, सृष्टि जो है उसका विलोम शब्द आपका बनेगा प्रलय, क्या होगा, प्रलय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। राजा का विलोम शब्द है, जो राजा वर्ड आपको मिला है, तो राजा का जो विलोम शब्द होगा या एंटोनियम जो आपका होता है, क्या होता है, एंटोनियम। तो जो राजा होता है यानी क्या होता है, किंग, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए प्रजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी रंक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, रंक। तो राजा से क्या, रंक बनना, क्या होना, यानी राजा से क्या, रंक बनना, यानी राजा था, राजा से रंक बन गया, यानी भिकार। रंक का मतलब क्या होता है, भिकारी या गरीब से आपका होता है रंक होना, यानी गरीब होना या फिर भिकारी से इसका संबंध आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, जो क्या है, गलत आपका होगा, फॉल्स आपका है। ऑप्शन ए इष्ट अनिष्ट, ऑप्शन बी छलिए निश्चल, ऑप्शन सी उत्कृष्ट उत्कृष्ट निष्कर्ष, ऑप्शन डी सानुनाशिक निरनुनाशिक। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी जो गलत है आपका, उत्कर्ष और निष्कर्ष आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा आपका है, तो कौन सा होगा। ऑप्शन ए पाठ्य सुपाठ्य, ऑप्शन बी नत अवनत, ऑप्शन सी शिष्ट विशिष्ट, ऑप्शन डी संश्लिष्ट विशिष्ट, या आपका है संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी नत और अवनत। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी नत या फिर अवनत जो है वो सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जो विलोम शब्द आपका होता है, जो एंटोनियम वर्ड आपका है, क्या है, एंटोनियम वर्ड, तो उसका जो युग्म जो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्पक्ष पक्षीघर, ऑप्शन बी तिक्त मधुर, ऑप्शन सी कल्पित स्वप्न, ऑप्शन डी अकिंचन संपन्न। तो इसमें सही कौन सा आपका, ऑप्शन सी कल्पित और स्वप्न इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निर्देश आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 53 से 63 तक दिए विलोम शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन है 53। गोचर क्या है, गोचर। ऑप्शन ए अगोचर, ऑप्शन बी उभयचर, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी नभचर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, अगोचर से आपका अगोचर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ज्योति मरिया का इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकाशमय, ऑप्शन बी तमोमय, ऑप्शन सी विभावरी, ऑप्शन डी सर्वरी। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी तमोमय। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। रिजू जो शब्द है इसका जो वो होगा आपका विलोम वो क्या बनेगा, ये भी रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट आपका है।
ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी त्रियक, ऑप्शन डी वक्र। तो ऋजु का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वक्र आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्षमा क्या मांगना यानी क्षमा करना। ऑप्शन ए बुरा, ऑप्शन बी अनहित, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी प्रताड़न। तो राइट आंसर क्या है इसका, दंड यानी क्षमा करना या कहना यानी क्षमा मांगना क्या होता है यानी क्षमा मांगना यानी माफ़ करना। और इसका जो अपोजिट आपका होगा वो क्या होगा, दंड आपका होता है, क्या होता है, दंड आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, खेचर। खेचर का अपोजिट या एंटोनियम जो आपका होता है, तो एंटोनियम वर्ड क्या है आपका, एंटोनियम वर्ड आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए भूचर, ऑप्शन बी जलचर, ऑप्शन सी परिचर, ऑप्शन डी नभचर। तो राइट आंसर क्या है इसका, भूचर। खेचर का जो विलोम शब्द होगा वो भूचर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, गंभीर क्या होना यानी गंभीर होना। ऑप्शन ए शरारती, ऑप्शन बी उत्पाती, ऑप्शन सी वाचल, ऑप्शन डी सतर्क। तो गंभीर का राइट आंसर क्या है आपका, वाचल, वाचाल इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अनादर क्या करना, किसी का आदर ना करना, अनादर, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी सादर, ऑप्शन डी सत्कार। तो किसी का आदर अनादर करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आदर। तो आदर करना क्या करना, उसका सम्मान करना, और अनादर करना उसका आदर ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59। आपको क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।